कुछ उर्दू में लिखा है, लेकिन क्या लिखा है पता नहीं। पहले के जमाने में हमको लगता है मुगल काल का है क्या। ये देखिए इसका शेर, ये स्वागत करता हुआ हमारा। इधर भी प्रवेश वर्जित है, सब वर्जित है, तो जाएं किधर। अच्छा इधर से घुसना है, आराम से आराम से। चुनार मिर्जापुर में आता है ना। देखिए यदि कोई व्यक्ति इस भवन को हानि पहुंचाने या किसी प्रकार का कुरूप करेगा, ठीक है। ये क्या है, किलवा कहाँ है, किधर जाना है घूमने के लिए, इधर का है। निरीक्षण भवन कुछ लिखा है, इधर ये 60 मीटर का है, चलिए देखते हैं इंस्ट्रक्शन। हाँ निरीक्षण कर लेते हैं कैसा बना है किला। तो यहाँ कोई राजा वजा नहीं है क्यों, का हुआ सब राजा यहाँ का, मतलब सिर्फ बनारस वाले तो वंश चल रहा है। हाँ तो इनका नहीं रहा, कोई रहा होगा। इतना हमने थोड़ा देखा था कि गुप्त खासी का है, बाद में विक्रमादित्य वगैरह ये सब जो है ये थे, जिसके बाद खत्म उसको ये टाटा फेस। और आज ये हाल है कि पुलिस प्रशासन यहाँ पर रहती है, बताया नहीं था जैसे कि वहाँ जैसा स्थिति नहीं, यहाँ पे माई बाप जो बना हुआ है पुलिस प्रशासन यूज कर रहा है। वहाँ पर तो है बनारस में तो उसके माई भी हैं, बाप भी हैं, लड़ाई भी कर रहे हैं। यहाँ पर होता तो ये भी, ये तो उस समय को लगता लंबा चौड़ा इलाका है। ये लंबा चौड़ा इलाका है, देख रहे हैं सब डिजाइन में बना हुआ है। जब राजा वजा रहे होंगे ये सब, तुमको लगता है आज के जमाने का बना है लकड़ी का, गिरेगा नहीं। अरे अंग्रेजों के समय का बना होगा। देखिए ये है ना, स्वागत है चुनार में आपका, ये बैनर लगा हुआ है, ये स्वागत का कक्ष है। हाँ है ना, हरी 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 डिजाइन देखिए ना, E2Z मतलब सही बात है, खर्चा किया हुआ इलाका लग रहा है। जो सेफ्टी का लेयर देखिए, पहले एकदम आगे है, दूसरा यहाँ, तीसरा। अगर पानी बढ़ा भी तो सोचे वो वाला पहला डूबेगा, पहले एकदम जो आगे है, दुश्मन आया, उसके बाद दूसरा लेवल ये है, तो यहाँ से हमला करेंगे हम। मतलब राजा महाराज यहाँ तो बाकी जो है प्रजा सैनिक यहाँ इसमें रहती होगी। हाँ नीचे अच्छा किले जो बने हुए अगर आप देखें ना, तो इस डिजाइन में बने होते हैं कि मतलब आप बिल्कुल एक तरह से सेफ जगह पे हैं, मतलब आपके ट्रांसपोर्ट के लिए वो रहेगा नदी वगैरह। हाँ ऊंचाई वाला प्लेस जानते हैं, सुरक्षित। हमको लगता है कि इसके अंतर्गत में आपका बनारस का राजा था, इनके अंतर्गत में हो सकता है। मतलब जैसे होता है ना, जैसे कि एक हेड हो गया, जैसे मुख्यमंत्री उसका छोटे मोटे मंत्री। हाँ बाकी काशी नरेश जैसे ये हो गए अपना, वो बहुत बड़ा तो उनका किला नहीं है। हाँ बहुत बड़ा भी नहीं है, ये सब छोटे मोटे हैं, लेकिन ये तो थोड़ा लंबा चौड़ा भी है। वो था गुप्त मौर्य का, तो 16 जनपद वाला था ना, तो ये काशी महाजनपद ये सब बिहार से सटा लेके इधर पूरा इलाहाबाद सब आता था ना शायद। आइए इधर बिहार वाला महाजनपद था। सब इतिहास की चीजें हैं। हाँ हालांकि इंटरेस्ट तो है जानने में कि कैसे थे। देखिए गिर जाएगा, उनको लग रहा है गिरेगा भविष्य में। कौन वो इलाका, पूरा एरिया लटक रहा है, बनवाया बड़ा मजबूत है भाई। यहाँ से देख रहे हैं, हैं? देख रहा है, बहुत डर लग रहा है इसमें।
यहाँ से देखिए ये है, ये है कि गंदगी बहुत है, ये है कि यहाँ पे आके जो है 10 मिनट का समय दे सकता है। ये 3 लेयर में पूरा प्रोटेक्शन है, सबसे एकदम नीचे है, ये भी है, ये देखिए यहाँ भी एक लेयर लग रहा है, हाँ यहाँ पर भी रहा होगा 3-4 लेयर का, कोई हमला हमला करे जब कुछ होता होगा तब आके यहाँ बैठते होंगे। ज्यादा मत जाइएगा, ज्यादा मत झुकिएगा, वहाँ एक नाव वही चल रहा है, उसको थोड़ा थोड़ा जूम करके देखता हूँ। क्या गर्मी महीना तो के मछली से मार देगा, किला में आग लग गया सोचिए। नहीं लेकिन इतना पत्थर एक जलेगा भी नहीं, ये इलेक्ट्रिक वाला सिस्टम थोड़ी है। अरे ये सब पकड़ ले गर्मी के महीने में एकदम पकड़ा पकड़ेंगे सब सूख जाता होगा ना। हाँ इधर सब बंद किया है, तुरंत तोड़ लेते हैं। कहाँ? हाँ नीम का। तो आज हम लोग का ये भी एक ट्रिप जो है ना वो कंप्लीट हो गया है, मिशन कंप्लीट। इससे पहले हम लोग बनारस का देख लिए किला, अब चुनार का किला भी देख लिए। ये है कि बच्चों के देखने लायक चीज है, आदमी आगे जैसे कि बोर हो रहा है तो चलो चुनार का ही किला देख लेते हैं, टाइम पास, मतलब ये देखने की, चलो देख लो। नहीं बहुत बहुत नहीं है, ये है कि क्योंकि कुछ है नहीं, देखिए जब कुछ रहते हैं जैसे कुछ इसको केयर टेकर के जैसे बनारस में क्या है, बनारस में कुछ नहीं है, लेकिन वहाँ पर ये है कि एक केयर टेकर है भाई, यहाँ से वहाँ तक लोग हाँ म्यूजियम वगैरह बनाए होते हैं साथ भाई, तो यहाँ म्यूजियम उजियम भी नहीं है, सारे सारे तो रेस्ट्रिक्शन लगा दिए, उधर नहीं जाना उधर नहीं जाना, तो आदमी क्यों आएगा यहाँ पर। ये सब तुमको लगता है अंग्रेज बनवाया, पुलिस को देख के लगा है मुझे कि डाउन क्वालिटी है यहाँ पर। इतने बता दे कब बना हुआ था, अभी गूगल खोले लगेगा गूगल खुद बोलने की। हाँ इस स्टेशन में इतने बना, अब तो भाई अच्छा गाइड क्या करते हैं ये आपको जगह जगह बताएंगे कि ये चीज कैसा है ये चीज कैसा है, मतलब कि इसकी हिस्ट्री बताएंगे। ये आज के जमाने का है डिब्बा, तो उस समय में जब बना होगा तो उसमें डिब्बा रहा ही नहीं होगा, प्लास्टिक की चीज है, कहने का मतलब ये है। ये सब तो हमको लगता है ये अंग्रेज अंग्रेज आए होंगे उसमें बनवाए होंगे, कुछ दिन तो अंग्रेज भी रहे होंगे यहाँ पर। नहीं ये जो बना है ये सब देख रहे हैं, ये सब अंग्रेजों के समय का बना हुआ मान लीजिए है। हाँ ये भी खतरनाक है, देख रहे हैं लकड़ी का है, लकड़ी सड़ गया है, रेलवे वाला लगाया ट्रैक। हाँ पहले रेलवे का आता ही था, पहले कहीं पर भी आप लेंगे तो रेलवे वाला डिजाइन मिलता था टाइम पे। ये चुनार का ये देखिए ऐतिहासिक कुआं यही है, हाँ ऐतिहासिक जिसको बोला जाता है। चलिए मतलब जाना बना है, लिखा है लिखा, देख लेते हैं इसे हो सकता है कुछ पता नहीं कहाँ अंडरग्राउंड कुछ है, आप देखिए हो बहुत खतरनाक चीज है कुछ खुफिया रहस्य पता लगा गए और कोई बंद कर दिया क्या है अंदर पानी। अच्छा गए हो क्या कभी, जाइए फिर पानी है ना, पानी कहाँ पानी है, ऐसे इसमें निकलेगा देखें।
अच्छा अच्छा वो जैसे मुक्की है वो अंदर से आके यहाँ पर निकलेगा। है नहीं है, है ना? थोड़ा दिखाई अच्छा, यही है रानी वहीं पर आएंगे। अरे नीचे से पानी आ रहा होगा, नीचे डायरेक्टली का होगा ना? नहीं यार, कुआं का पानी है। कुआं? हाँ, गंगा जी का लेयर होगा कुआं। इतनी पब्लिक थी यहाँ पर रहती थी, सब नहाने के लिए होगा व्यवस्था। ये देखिए वो जो वहाँ से नीचे जा रहे हैं ना, वो यही पे निकलेंगे। ये व्यवस्था जानते हैं इसके लिए होगा। हाँ, वो मतलब औरतों के नहाने के लिए होगा, हो सकता है जो बाहर नहीं जा सकती तो वो सीढ़ी से नहा के। रिक्स तो है ही, उन्हीं सब लड़के से घुसवाना चाहिए था। चल बेटा घुस के दिखाओ कैसे जाते हैं। लेकिन बहुत ये देखिए कुछ किला है बनारस में, आप घूमेंगे ना बनारस तो कोई लच्छर नहीं है उसमें किले का, वो घर जैसा लगता है। यहाँ से क्या है, ये सब तो आज के समय का है। आइए हम लोग आगे बढ़े, असली के उस तरफ चलते हैं। इस तरफ तो देख लिए, ये निरीक्षण के छोड़ो। ओहो सब स्कूल के बच्चे आ गए। हाँ उसको कोई काम है नहीं है, उसको बस बैठना है। टिकट नहीं लग रहा है यहाँ पर? नहीं। अच्छा टिकट भी नहीं लगा, कुछ है भी नहीं बस। हाँ यही है, किला है। आइए आइए, पहले चलिए ठीक है, बच्चे इधर जाए तो हम लोग आगे चलते हैं। ये देखिए पानी बहने के लिए नाली है, उस समय का ये ड्रेनेज सिस्टम है। अच्छा यहाँ कुछ है देखने के लिए, ये मंदिर है। इतिहास के टीचर आए होंगे, इनको पता होगा। ये देखिए हमको लगता है कि जेल उड़ रहा है शायद, है जेली है। ये सब तो आज के जमाने का है, लकड़ी का बना हुआ, लोहे का, उसमें अपना बना दिए हैं। तो ये देखिए, हाँ हाँ, इधर जाने का रास्ता मना है। ये देख रहे हैं, ये पूरा आप देख रही हैं, ये बना हुआ है किले के ऊपर है। अच्छा यहाँ पर पानी उनी का भी व्यवस्था भी किया गया है यहाँ से। और यहाँ से कैसा है, सीधा खाई है। असल में साफ सफाई नहीं है, मेंटेनेंस नहीं है, नहीं तो पेड़ सड़े सब कट जाना चाहिए। ये पेड़ लगातार जो है किले को कमजोर कर रहा है लगातार। मोर भी है, मोर नहीं है सॉरी। अब जैसे जो राजा महाराजा रहे हो, देखिए वो कुआं है, ये आप देख रहे हैं ना, ये भी कुआं है। कुछ गुप्त रास्ता होगा, हाँ कहीं ना कहीं का। अब जैसे ये है, ये अगर भसक जाए, ये सब लगता है आज का लगा है पत्थर हाल का। आइए, ये किस लिए पता है, ये जो आप देख रहे हैं ये किस लिए रहा है? हाँ इसमें रस्सी लटका के सामान वगैरह नीचे फेंकने के लिए, जो लोग ऊपर हैं वो नीचे से रस्सी से कुछ भेजना हुआ लाना हुआ, गोला बारूद सुरक्षा की दृष्टि से। चार घंटे दो घंटे एक घंटे समय दे सकते हैं हम, कोई टिकट नहीं कोई कुछ नहीं, कुछ नहीं फ्री ऑफ कॉस्ट। कॉपी किताब लेके आओ, काम करो। पढ़ाई लिखाई करना है पढ़ाई लिखाई करिए, काम करना है काम करिए।
ये देखिए कुछ बना हुआ है उस समय का स्ट्रक्चर है ये, चूंकि क्या हो गया कि बिल्कुल इग्नोरेंस में आ गया है। आइए इधर, अच्छा ये देखिए लिखा है कारागार है सुनार किला, ये कारागार है पूरा ये जो आप देख रहे हैं। आइए इधर देखिए ये क्या है, अच्छा इसमें नीचे हो सकता है कुछ जाने के लिए हो, उसको है? उसको बंद किया गया है। सब कारागार है, कुछ है नहीं अंदर कि है, कोई कैदी है इसमें? आइए आगे देखेंगे। चुनार किले के देखिए पढ़ते हैं इसको, ये 1805 में यूज होता था जेल के रूप में था। 1886 में सिख राज्य पर अंग्रेज द्वारा कब्जा किए जाने के उपरांत महाराणा रणजीत सिंह की विधवा जिंदा कौर जिंद कौर ने 1848 ईस्वी में इस मार्ग को कैद करके रखा है। 1849 में महारानी जिंद कौर अंग्रेजों को चकमा देकर नेपाल भागने में सफल रहे। तो समाधि ले लिया पेड़ वगैरह भी लगाए हैं पूजा पाठ करने के लिए, तुलसी वहाँ हनुमान जी की मूर्ति है। ये पूरा एक कैद खाना है, बस हमको लगता है कि आपको देखने के लिए सिर्फ कैद खाना ही अवेलेबल है। अच्छा इधर से उधर से देखिए हवा आने के लिए भी है, ये उधर से देख रहे हैं वेंटिलेशन सिस्टम अच्छा है, लेकिन इसमें जाने का अलाउ नहीं है जबकि खोले होना चाहिए था, इसमें तो जा ही सकते हैं लोग देख सकते हैं। लेकिन उस समय के जो कैद थे उनका लाइफ इजी था कम, अगर आज के कैदियों से कंपेयर करें। आइए इधर ये देखिए, ये देख रहे हैं उसमें बिल्कुल घर की तरह ये सिस्टम बना हुआ है, उधर से आपको हवा भी मिलेगा और इसमें लोग रहेंगे भी और इधर यहाँ पर जैसे रह भी सकते हैं, इधर उधर भी होगा कुछ अंदर ही अंदर जैसे ये जो देख रहे हैं ना, जैसे कि अभी क्या है कि जिसको परमानेंट जेल हो जाती थी तो उस टाइम जो मतलब काम करने को भी दिया जाता था भाई काम करो और जेल में, पहले भी ऐसा ही होता था। ये तो बता रहा 1805 का बना हुआ ये है, अंग्रेज लोग यूज करते थे इसको। इधर तो पूरा बंद कर दिया हमको लगता है। इसमें क्या है आइए इसको देखा जाए, और ये देख रहे हैं ये जो है ना ये नाली है पानी की निकासी के लिए। ये सब डिजाइन है, क्या क्या है?
से भाई आराम से। हाँ बेटा कुछ बोलना चाहते हो बोलो। बहुत अच्छा नजारा लग रहा है यहाँ पर आते आते हुए। चलो क्या नाम है? हाँ मतलब यहाँ पर बैठक वगैरह के लिए लोग बैठ सकते हैं। नहीं पत्थरों का कलाकारी देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं ना पत्थर में जो कलाकारी है, एक एक चीज नुकेरा गया है। ये मतलब अगर मैनुअली सब कुछ किया गया है बहुत लंबा समय पूरे अगर आप इस पे देखें तो आपको हर जगह ये पूरा नुकेरा हुआ ये डिजाइन दिखेगा इस तरह का। अच्छा बटरफ्लाई थी और ये बहुत ही लाजवाब आलिशान। ये कैसा गड्ढा है? ये अंदर रास्ता ही है, इसके नीचे जगह है। सीढ़ी है? हाँ जाएगा कहाँ ये रास्ता? आगे दिखाएंगे। अरे तो पूरा अंधेरा है अंदर। तो अंदर की ना हाँ इस पर ये लगा के ये देखिए ये देख रहे हैं ये शीशा है, इस पर शीशा लगा के तो इसका मतलब कि नीचे जो है लोग रहते हैं, नीचे रहते होंगे। हाँ और ये छत है, छत चूंकि काफी मजबूत है लोग इस पर चढ़ रहे हैं उतर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। और पानी जो है फ्लो का आप देख ही लिए जगह जगह नारी से बनाई है, पानी फ्लो हो ही रहा है। अब इधर चले आइए इधर देखिए, यहाँ देखिए शौचालय वगैरह भी बना है लेकिन अब टूट चुका है। इधर आइए इधर से देखते हैं। यहाँ देखिए ये ही चढ़ने का है, करीब करीब जो है यहीं से हम लोग एंट्री लिए थे और यहाँ से आप आए और इस तरफ आप गए है ना। क्या बात है क्या बात है। और वो भी देखिए है सब चुनार का ही है लेकिन बिल्कुल मेंटेनेंस नहीं होने के कारण, हालांकि अगर यहाँ पर बहुत मेंटेन करके भी क्या कर लेंगे ये कोई, हमको लगता है जैसे जो किलो में जो सामान होती हैं जैसे कि शस्त्र वगैरह वो सब हट ही गए होंगे, बेच बाज दिए होंगे सब, कुछ बचा ही नहीं है। स्कूल के बच्चे हैं जो कि यहाँ पर घूमने आ सकते हैं देख सकते हैं, इसके बाद किधर जाएंगे ये सब कुछ है ही नहीं। अब किधर जाएंगे? ये लोग इलाहाबाद से आए हैं, लगता है कि अब तो इनका रिटर्निंग होगा। हाँ बस यही है सुनार के लिए का, आगे कुछ और है इसके आ सकते हैं। वो अड़गड़ा मन का वो है वहाँ तो हम लोग गए थे ना। हाँ गए थे। अच्छा ये हमको नहीं समझ आया ये जो आप देख रहे हैं ये किस लिए बना हुआ है वहाँ से स्लीपिंग टाइप का, वो देखिए नीचे गया है, इसका क्या उपयोग रहा? अच्छा हो सकता है कि बैल वगैरह हाथी वगैरह खींचने के लिए कुछ ऐसा चीज होगा जो मतलब लड़का के ले जाने के लिए होता है तो उसको ऐसे खींच लेते हैं। और उधर से ये सीढ़ी वाला है जो इधर से सीढ़ी से उतर के जैसे बच्चे सब जा रहे हैं तो उस तरह से है, यहाँ सीढ़ी पकड़ के आप जाइए। और वो सब जो आप देख रहे हैं वो सब पूरा पत्थर है, समझ रहे हैं? ये सब आप जो देख रहे हैं ना ये पूरा अलग डिजाइन है यहाँ पर, और ये डिजाइन मतलब इसको पत्थर को ऐसे निकोर के ऐसे करज के अलग बनाया गया है, पत्थर ही। बच्चे आएंगे यहाँ टूर कर, कुछ बचा नहीं है देखने के लिए, क्या देखेंगे बच्चे? हाँ एंजॉय कर रहे हैं। इलाहाबाद से।
इलाहाबाद यहाँ से 200 किलोमीटर होगा, नहीं 200 के आसपास यहाँ से कमी होगा बिल्कुल। हम लोग इलाहाबाद की तरफ से नोट किए हैं। तो ये गेट है, दोनों देखिए गुम्बद के नुमा है बिल्कुल, इसको गोला सा बनाया गया है, इसको भी बनाया गया है, ये बिल्कुल अच्छा। हमको लगता है कि यहाँ पे जो टीचर आए तो हर साल आते होंगे ना, हैं टीचर जो है वो सब तो हर साल आते होंगे, अध्यापक होते हैं। बच्चों हाँ इतिहास नहीं तो खत्म हो जाएगा, अगर इतिहास नहीं दिखाएंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये देखिए ऊपर जाने के लिए भी एक उस पे है रास्ता, ऐसे हम कैसे आप जा सकते हैं उसके ऊपर, हालांकि बंद है। भारत का झंडा वहां है इस नीम के पेड़ के पीछे, आइए आगे चला जाए। गजब, क्लियर से जस्ट आइए। ये कनेर का है और ये सब जंगली पौधा है, यहाँ ऑटोमेटिकली उगा है। देखिए एक चीज आपको बताएं कौशल जी, एक चीज आप जान जाइए कि प्रकृति जो है ना चीजों को बदलती, मतलब राजा आए होंगे, महाराजा आए होंगे, सब आए होंगे, आइए थोड़ा उसको पढ़ा जाए क्या लिखा है यहाँ पर, जो लिखा है कि किस चीज के लिए है। सुनवा मंडप चुनार किले के सबसे अप्रतिम वस्तु की संरचना है, इसका नाम राजकुमारी सोनवा के नाम पर रखा गया था। इसमें 28 स्तंभ हैं तथा 4 प्रवेश द्वार हैं। सुनवा मंडप के पास स्थित बावड़ी के बारे में यह जनश्रुति है कि सेन देव की पुत्री सोनवा इसी बावड़ी का प्रयोग करती थी। सुनवा मंडप के स्थित केंद्र छत के नीचे खड़े होकर आवाज का प्रतिध्वनि सुनी जा सकती है। यह मंडप उत्तर भारतीय वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है, अद्भुत। ये तो है, किसी भी मौसम में आप यहाँ बैठ सकते हैं, एक पीसफुल जगह है। आदमी नहीं हट रहा है ना, लगातार इसमें आदमी है।
आइए चला जाए ऊपर, खुला है। बंद है। चीजें बनाए सब पहले से, जो चीजें पहले बन गई है ना, अभी मतलब लोग सोचते हैं, अज्यूम करते हैं कि ऐसे ऐसे बना होगा, वही ना। एज्यूम भी करना भारी है। बचा के आइएगा। जैसे ये हम लोग के लिए बहुत बड़ा चीज है, मतलब बहुत आश्चर्य है, उस दौर के लिए बहुत सामान्य चीज है, क्योंकि उस दौर में यही यही होता ही था। आजकल जो थोड़ा 10 पेज का एक प्लानिंग करते थे ना, वो अपना दिमाग में कर लेते थे, प्रैक्टिकली सोचते थे कि क्या कैसे। थ्योरेटिकली ज्यादा, लेकिन अब बात एक ये भी है, जैसे इतनी जगह है, इतना पूरा एरिया आप ले रहे हैं, तो अब इतना एरिया भी तो नहीं मिलेगा लोगों को। देखिए अब 1-20 लोग, 2-20 ऐसा जमीन ले रहे हैं, ये तो आदमी आदमी रहे, ये सिर्फ एक किसी एक नॉर्मल इंसान का तो जगह रहा नहीं है, एक राजा है, एक आप बोल सकते हैं एक सांसद हो गया, एक मिनिस्टर, सांसद मिनिस्टर से भी बड़ा मान लीजिए, तो एक पूरा हाँ बना रहे। जैसे ये देखिए, यही है मेन गेट इसका, यहीं से हम लोग एंट्री लिए हैं, और यही एग्जिट है बस, इतनी है, बाकी सारी एरिया रिस्ट्रिक्टेड है, रिस्ट्रिक्टेड है। यहाँ पर ना कोई राजा, ना कोई रंक, यहाँ पर कुछ सिस्टम नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे कि राजा तो अब बचे ही नहीं, लेकिन उसका केयर टेकर रहता है ना, जैसे उनके परिवार का या उनके वंश का। तो गवर्नमेंट क्या बीच में आई थी ना पॉलिसी, कोई नहीं, वो सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट खरीदा लगी, तो बनारस में तो था, और भी बहुत सारे किला हैं। तो ये हम लोग के चुनार के किले का ट्रिप था, ये ट्रिप जो है पूरा हो चुका है, सब जगह जाना मना है, सिर्फ वही जो मैंने आपको दिखाया है वही देखना अलाउ है यहाँ पर, सुनार का किला। तो फिलहाल के लिए इसमें किला का बोर्ड, हाँ वही लगाया, चुनार किला, चुनार फोर्ट। ये सब बच्चे आ रहे हैं, हो गया है, और ये मेन गेट है, एक प्रकार से यही है मेन गेट। मेन गेट से आप आएंगे तो यहाँ पर अपना पार्किंग वगैरह लगाएंगे, गाड़ी वगैरह जो भी रहेगा, अगर कार लेके आएंगे तो अंदर से मोड़ के आपको यहाँ पर लाना होगा। यहाँ पर हमको देखिए ये सब चौकीदार वगैरह के लिए, टिकट वगैरह पहले कटता रहा होगा तो उसके लिए, हाँ फिर इधर ख़त्म कर दिए होंगे, टेंडर निकाल के इसको उस पर देना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट पे लोग केयर टेक कर रहे हैं। हाँ हाँ, प्राइवेट सेक्टर का कोई लेगा ना तभी कुछ कर सकता है, नहीं तो ये लाल किला को डाल, कितना गंदगी यहाँ फेंका गया है, डालमिया वगैरह ने लिया तो कुछ भाई।